आज के इस राष्ट्रीय पोषण माह के वेबिनार में हमें कोविड-19 महामारी के बीच अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में किस तरह का सही पोषण आहार करना जरूरी है, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय डॉक्टर कृष्णा मेथेकर सर जी कि वो हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। विशेष रूप से सभी टीचर और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की बाल आर्मी, सलाम बॉम्बे के सभी पदाधिकारी और सब मित्रगण, ये इस वक्त ये जो वेबिनार हो रहा है, आज आप सब एक जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ रहे हैं और इम्यूनिटी नाम से बहुत बड़ा भी उसको एक बहुत बड़ा महत्व प्राप्त हो गया है। कहीं जाओ तो सब लोग इम्यूनिटी बारे में बोल रहे हैं। तो FSSAI और इम्यूनिटी दोनों ही साथ साथ चलते हैं, ऐसा मेरे का मानना है। क्यों? तो FSSAI इज बेसिकली फॉर योर सिक्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। सो हमारा खाद्य जिस प्रकार का है उस प्रकार से हमारी शरीर स्वास्थ्य और मन स्वास्थ्य रहता है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट आज का वेबिनार है। और एज एन FSSAI ऑफिसर मैं थोड़ा दृष्टिक्षेप इस इम्यूनिटी के बारे में और जो हमारी एक्टिविटी चल रही है FSSAI की उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। FSSAI को बहुत सारे रेगुलेशंस है जिसमें फूड के लिए हम पूरा उत्तरदायित्व करते हैं कि आपके थाली में आने वाला फूड वो सुरक्षित रहे, वो न्यूट्रिशियस रहे और उसमें कोई प्रकार की मिलावट ना हो या वो खाने से आपको कोई आपत्ति ना हो जाए। और आज का दौर जो चल रहा है ये कोरोना के महामारी का, उसमें इतना पाया गया है कि ये जो बीमारी है ये फूड से नहीं संक्रमित होती है, इसलिए हम सब आश्वस्त रहे कि ये जो बीमारी है ये फूड से फैलावा नहीं होती है। ये आज तक कोई भी संशोधन में या रिसर्च में ये पाया नहीं गया है। तो हमारे कुछ तथ्य है, एक दो चार स्लाइड्स है, मैं आपको सामने एक एक रखना चाहता हूँ। अभी देखो, खाना वेज नॉन वेज आप दोनों भी खा सकते हैं, उसमें कोई संदेह की भावना नहीं है। हमको शरीर को जो पोषण मूल्य चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो आवश्यक तत्व है वो हमको दोनों से भी मिल सकते हैं, बट हमारा शरीर जो है वो वेजिटेरियन खाने के लिए ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो बेनिफिट्स ऑफ प्लांट रिच डाइट, अगर हम शाकाहारी खाएंगे तो क्या क्या हमको मिल सकता है? लोअर ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलेंगे, एक हमारा जो शरीर में चर्बी जो बढ़ती है वो आपको समझने के लिए एक चर्बी का जो प्रकार है वो कोलेस्ट्रॉल है। हमारे हृदय में या हमारे शरीर में बढ़ के हमको कुछ दूसरी बीमारी हो जाती है, तो वो अगर तुम प्लांट सोर्स के मीन्स वेजिटेबल अगर आपका डाइट रखेंगे तो वो नहीं हो जाएंगी। देन रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड ओबेसिटी, तो आपको पैरालिसिस का अटैक या मोटा नहीं बनोगे अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे। तो दूसरी बात है कि आप अगर मधुमेह के शिकारी है, डायबिटीज है, तो उसकी भी रिस्क आपको अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे तो नहीं रहेगी। साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है प्लांट डाइट में, तो वो फाइबर का जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए हमारे शरीर को हमारे जो बड़े अटे छोटे अटे इंटेस्टाइन्स बोलते हैं उसको मोटिलिटी के लिए और चयापचन क्रिया जो है हमारी डाइजेशंस उसके लिए जो फाइबर हमको लगता है वो पर्याप्त मात्रा में प्लांट रिच डाइट से मिलता है। और इट रिड्यूसेस द कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन हम बोलते हैं ना, जैसे दूसरा उदाहरण अगर देख लिया तो जैसे पोल्यूशन का जो कारण रहता है एग्जॉस्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड या जैसे कार्बन जो हमको आवश्यक नहीं रहता है उसका भी रिडक्शन हमारे शरीर में प्लांट बेस्ड डाइट से होता है। नेक्स्ट।
अभी कोविड में जैसे कि मैंने बोला कि प्लांट बेस्ड तो चाहिए चाहिए, बट ईटिंग वेल ड्यूरिंग द कोविड 19, बाय फूड विथ ऑल लॉन्ग शेल्फ लाइफ, फ्रेश फ्रोजन कैन। ये क्या है कि जिसका शेल्फ लाइफ बोलते हैं हम, जो पदार्थ हम लाते हैं उसके ऊपर, आप जब कभी मार्केट में जाते हैं तो पैकेज खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखता है कि ये 3 महीने तक अच्छा रहेगा, या इसकी एक्सपायरी मोटे स्वरूप में बोलना है तो जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं ये कब एक्सपायर हो रहा है, तो हम लगे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स में उसको बोलते हैं उसका बेस्ट बिफोर डे, ये कब तक खाने के लिए अच्छा है। तो आप जब भी कोई पदार्थ ले लेंगे उसका शेल्फ लाइफ जितना ज्यादा दिन, क्यों हमारे पास, हम एक ही दिन में पूरा फिनिश नहीं करते हैं, इसलिए उसका शेल्फ लाइफ, अगर आप दूध लेते हैं या फिर ब्रेड लेते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम रहता है, 48 to 72 hours रहता है। तो ये जो जिनका शेल्फ लाइफ कम है उनको उसी समय में खा के, या फिर अगर बच गया है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। देन मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ द फूड आइटम्स, हम जो ला रहे हैं क्या हमको लाना है क्या नहीं है, एक कागज के लिख के अगर उसके अपन लिख कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने घर में क्या चीज लाई है, वो कब तक अच्छी रहेगी और कितनी रहेगी। एक जनरल इन्वेंट्री जैसे बोलते हैं मोटे मोटे बिजनेस में, तो ये हमारी घर की कागज पे लिखी तो इन्वेंट्री हो जाएगी। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग एंड ईटिंग, ये तो सबको पता है, इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। अभी कोरोना में तो एक नहीं बार बार हाथ, एक तो सैनिटाइजर से साफ करें या फिर सोडा या साबन, हम जो है जितनी बार हम किधर टच करेंगे फ्रिक्वेंटली हम बोलेंगे कि आपके हाथ है वो बार बार धोया जाए। नारायण जी एक राय, अवॉइड शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स, ये क्यों बोला है, दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड ओनली। वैसे भी माइक्रोबियल और वायरस ऐसे दो प्रकार की बीमारी हमारे को होती है, उसमें टाइफाइड मलेरिया जैसे अलग अलग बैक्टीरिया जो भी होती है, और वायरस के जैसे आज की जो बीमारी चल रही है कोविड 19, तो वो ना फैले इसलिए हमारे जो यूटेंसिल्स है, हमारा डब्बा, एक ही डिब्बे में मत खाना, एक ही थाली में दो आदमी मत खाना, ये अभी अच्छा नहीं रहेगा, उसका इन्फेक्शन या प्रादुर्भाव हो सकता है, इसलिए अवॉइड ईटिंग इन द सेम यूटेंसिल्स। नेक्स्ट, अभी हम रोजमर्रा के हमारे जो जरूरतें हैं वो लाने के लिए, या फिर ये फूड ये सामान हमको घर का जो है वो लाने के लिए हमको घर के बाहर जाना पड़ता है, तो हम क्या सावधानी बरतना चाहिए ये शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो उसमें से सबसे पहले है मेंटेन सोशल डिस्टेंस व्हाइल वेटिंग इन क्यू एंड थ्रू आउट द शॉपिंग ट्रिप। सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, ये हमारा पहला नारा होना चाहिए। आप जहां भी जाएंगे पहले तो मास्क अपने मुंह पे होना चाहिए, और दूसरा 2 गज की, किसी के भी सानिध्य में नहीं आना है, 2 गज दूरी से हमको एक दूसरे से लंबा रहना है या उतने डिस्टेंस पे ही रहना है। ओनली टच द प्रोडक्ट्स आइटम यू इंटेंडेड टू परचेस, आपको जो लेना है उसी को ही हाथ लगाओ, 2 4 आइटम को जैसे ये भी लगाओ वो भी लगाओ, ये दे दो वो, ऐसा करने का ये समय नहीं है, यहाँ अभी सावधानी की जरूरत है। ये कोविड का पेंडेमिक बहुत बढ़ रहा है तो इसके लिए हम टच नहीं करेंगे तो उसका प्रादुर्भाव उसके ऊपर नहीं हो जाएगा। अगर टच भी कर दिया तो यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आफ्टर टचिंग कॉमन टच पॉइंट्स सच एज डोर हैंडल्स नॉब और काउंटर्स। हम कहीं दुकान में जाते हैं या कहीं एंट्री करते हैं, वहां हैंडल को पकड़ना पड़ता है, हमारे केबिन में जाते हैं तो उसको हैंडल को ढकलना पड़ता है, तो लिफ्ट में जाते हैं बटन दबाना पड़ता है, तो यूज द अल्कोहल सैनिटाइजर्स आफ्टर टचिंग, जैसे भी उसको टच होता है तो इमिडिएटली हमारे जेब में अभी बॉटल ही रख देना बहुत ही अच्छा रहेगा, जहां हमको पानी और साबुन सा सोप हाथ धोने के लिए नहीं मिलती है, उस सैनिटाइजर का बॉटल आपके जेब में जरूरी है, जैसे भी टच होता है तो हाथ में डाल के उसको इमिडिएटली साफ करना चाहिए। डोंट टच योर माउथ आईज एंड नोज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ रिक्वायर्ड यूज क्लीन टिश्यू पेपर एंड डिस्पोज द प्रॉपरली इन द नियरेस्ट डस्टबिन। 2 चीज है इसमें, एक तो हम कहीं टच करते हैं हमारी आदत है, हम 5 मिनट भी बिना हमारे टच किए मुंह को या इधर उधर हम नहीं रोक सकते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर टच करने भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ एक आधी नैपकिन, डिस्पोजेबल नैपकिन रखना चाहिए, उससे टच करा और उसको डिस्पोज डस्टबिन में इमिडिएटली डालना चाहिए।
इफ यू आर वेयरिंग ग्लोव्स अवॉइड टचिंग योर मास और फेस विद दीज ग्लोव्स यूज द अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आफ्टर टचिंग एनी सरफेस इवन ग्लोव्स आर वॉर्न। आप अगर ग्लोव्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्लोव्स डालने की आदत लगा ली है, बट ग्लोव्स को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। उसको अगर नहीं सैनिटाइज करेंगे तो वहां से भी हमको ये प्रादुर्भाव हो सकता है। इफ यू आर बाइंग मीट, ट्राई टू बाय चिल्ड फ्रोजन मीट थ्रू ऑनलाइन एप्स, एल्स बाय फ्रॉम लाइसेंस रिटेल शॉप। द शॉप शुड हैव रेफ्रिजरेटेड केबिन्स फॉर डिस्प्ले ऑफ मीट। जब आप नॉनवेज खाना चाहते हैं, चिकन या मटन हम बाजार से लाने की आपकी मंशा है, तो आप ऑनलाइन मंगाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको वो पॉसिबल नहीं है तो आप जो आपको दुकान मालूम है, जिसके पास लाइसेंस है, सब अच्छा दुकान है, आप जिसको जानते हैं वहीं से ही खरीद लेना। और उसके पास कोल्ड चेन इन्हें ठंडे रेफ्रिजरेटर में रखने की व्यवस्था है क्या नहीं, वो भी देखना पर्याप्त है, तो वो ये कॉन्टेमिनेशन के लिए अवॉइड कर सकते हैं। देन कीप द शॉपिंग मटेरियल अवे फ्रॉम यूर बॉडी वेन कैरिंग फ्रॉम द मार्केट। आप वो लगाएंगे फिर ऐसा हाथ में लेके निकलेंगे या फिर यहाँ रखेंगे, तो उसको हाथ लगाना नहीं है हमारे बॉडी से, उसको अलग ही थैली में लेके हाथ से थोड़ा सा शरीर से थोड़ा सा दूर रखना है। कीप द शॉपिंग मटेरियल अवे फ्रॉम यूर बॉडी, ये तो मैंने अभी बोल दिया। एंड यूज कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस मेथड ऑफ द पेमेंट। हम नोटा देते हैं या पैसे देते हैं तो हमारा जो आदान प्रदान होता है उससे भी वो लग सकता है, इसलिए वो भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो दैट विल बी द गुड थिंग। अभी तो नेक्स्ट जो बता रहा हूँ मैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। इम्यूनिटी बूस्टर में जिनके नंबर पहले ऊपरी स्थान पे लगते हैं वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो क्या है, कीप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ब्रॉट फ्रॉम द वेंडर्स विद इन द पैकेट इटसेल्फ इन आइसोलेटेड प्लेस। जब भी लाएंगे तो पहले उसको आप बाजू में रखो और उस जिस पैकेट में लाए उसी में ही रखो। देन वॉश देम थोरोली विथ ल्यूकॉम वाटर और पुट ड्रॉप ऑफ 50 ppm क्लोरीन इन वार्म वाटर एंड डिप इट इन। उसको सैनिटाइज करने के लिए उसको जो प्रादुर्भाव है उसके ऊपर ना रहे, इसलिए एक तो उसको गर्म पानी में वॉश करना चाहिए, और नहीं तो 50 ppm पार्ट पर मिलियन बोलते हैं हम उसको, क्लोरीन वाटर से उसको वॉश करना चाहिए। क्लीन द वेजिटेबल विथ पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स जो हम पानी पीते हैं वही पानी से ये सब वेजिटेबल्स धोना है। डू नॉट यूज द डिसइंफेक्टेंट्स क्लीनिंग वाइप्स और सोप ऑन फ्रेश प्रोड्यूस। ये जो डिसइंफेक्टेंट्स है वो उसके ऊपर कभी भी स्प्रे करना नहीं है, जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसके ऊपर, या वो उसका पॉइजनिंग हो सकता है। देन स्टोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच रिक्वायर्स टू बी रेफ्रिजरेटेड इन द रेफ्रिजरेटेड, कीप द रेस्ट एट द रूम टेम्परेचर। तो जो हम टेम्परेचर जिसकी आवश्यकता है कम टेम्परेचर में, 4 degrees या उसके कम, तो उसमें रखना चाहिए, और जिसको हम नहीं रखना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर में, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसा उसका विभागनी या फिर पार्टीशन करना चाहिए। तो हमको कोविड से फाइट करना है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो सोप वाटर नॉट अवेलेबल देन यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स विच कंटेन एटलीस्ट 60% अल्कोहल, उसमें होना ही होना चाहिए। अभी हम क्या सप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे डाइट में, तो मोस्टली आयरन रिच प्लांट बेस्ड फूड्स चाहिए। वो कौन से फूड्स है जो हमारा इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, वो है लेंटिल्स, हम उसको दाली बोलते हैं ना सब घर में, कड़दाल में घंटे, तो वो हमारे इसमें चाहिए। तूर दाल या अरहर दाल या जितने भी प्रकार की दाल सीरियल दाल है, हम पल्सेस बोलते हैं, वो पूरे पल्सेस हमारे रोज के डाइट में होना चाहिए। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते की भाजी, पाले भाजी अपन मराठी में बोलते, सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे डाइट में होना चाहिए। नट्स एंड रेजिन्स, दीज आर ऑल्सो गुड टू बूस्ट द इम्यूनिटी, जो हम उसको बादाम पिस्ता ये बोलते हैं अखरोट, ऐसी चीजें हमारे सेवन में दिन में एक बार तो भी आना चाहिए। देन सोयाबीन, आपको पता है ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, वो भी हमारे डाइट में होना चाहिए। राइस चावल आप बहुत सारे लोग खाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसको पेट पचन पचन के लिए भी हल्का है, तो हमारे
अच्छा ही आना ही चाहिए, और उसमें एक मात्र हम देखना चाहिए कि वो फोर्टिफाइड हो, अगर वो विटामिन या मिनरल युक्त हो। हमारा FSSAI ने अभी रेगुलेशन निकाला है कि वो जो राइस है, सॉल्ट है या व्हीट फ्लोर है, ये सब फोर्टिफाई करने के अभी ने प्रावधान किया है। उसमें एफ प्लस लोगो लिखा रहता है, एफ प्लस। अगर ऐसे जितने भी आइटम्स है एडिबल ऑयल हो जिसमें एफ प्लस का लोगो है, वो पसंद करना चाहिए कि उसमें हमको विटामिन के या मिनरल्स की मात्रा जितनी है उससे भी ज्यादा प्लस ज्यादा मिलती है, इसलिए उसको फोर्टिफाइड बोलते हैं। तो फोर्टिफाइड जितना भी आपको लेवल पे मिलेगा वो प्रोडक्ट हम पहले पसंदी में लेना चाहिए। जैसे व्हीट फ्लोर भी है, तो व्हीट फ्लोर में जो एडिशन किया है इसलिए वो अच्छा है। अभी विटामिन B9, बी विटामिन जो है वो रिच प्लांट बेस में किस किस में है, वो हमारे खाने में चाहिए टू इम्प्रूव आवर मेटाबॉलिज्म। हमारा मेटाबॉलिज्म अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी पावर भी डायरेक्टली बढ़ेगा। इसलिए सोयाबीन, राजमा, बीटरूट, फ्रेश पीज, लेंटिल्स, कैप्सिकम, ये सब जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये सब बी कॉम्प्लेक्स में हेलो, भरे पड़े प्लांट के बेस है। ये सब हमारे रोज के डाइट में खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। कंज्यूम अप्रोप्रिएट ऑफ अमाउंट विटामिन बी इन रिच प्लांट, और वो तो कितना खाना चाहिए, अप्रोप्रिएट खाना चाहिए। बहुत ज्यादा खा के आपको इंडाइजेशन हो सकता है, इसलिए जिसकी मात्रा जितनी जरूरी है उतनी ही खाना चाहिए। आप सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी के हिसाब से ही खाइए, दाल खा रहे हैं तो हम कितना लेंगे सब्जी, 100 ग्राम, 50 ग्राम दाल खा रहे हैं तो एक कटोरी या दो कटोरी, बट हम दाल ही ले लेंगे 5-5 कटोरी तो उतना पर्याप्त नहीं है। टू स्ट्रेंथन योर नर्वस एंड इम्यून सिस्टम, उसमें और भी क्या क्या आना चाहिए, एक तो अरहर, उसकी दाल बोला मैंने, रागी, देन वॉलनट, वॉलनट तो हमारे दिमाग को तेज करने के लिए भी जरूरी है, देन ग्राउंडनट, ये गरीबों का काजू बोलते हैं इसको हम, ग्राउंड नट यानी शेंगदाना, वो भी खाना चाहिए। देन फोर्टिफाइड व्हीट्स और बोला मैंने, सो दीज आर दी ऑल प्रोडक्ट विच बूस्ट इम्यूनिटी। देन अगेन दी मसूर दाल, होल मूंग, गार्लिक, मेथी जो हम खाते हैं, ब्राउन राइस और जिंजर, इन सभी पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में हमारे रोज के पोषण में जरूरी आवश्यक है, टू बूस्ट दी डाइजेशन, टू बूस्ट दी इम्यूनिटी। साथ ही साथ हम विटामिन मिनरल के साथ हमारी हड्डियां जो है उसको बल देने के लिए कैल्शियम रिच जो सोर्सेस है वो भी हमारे बोन के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पल्सा, सोयाबीन, क्लस्टर बीन यानी गवार, मस्टर्ड ल्यूज, देन अमरंथ, हम राजगिरा बोलते हैं उसको, हॉर्स ग्राम, ये सब जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब जो है वो कैल्शियम में रिच है, इसलिए वो हमारे रोज के खाने में अत्यंत जरूरी है। देन फॉर स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी एंड हेल्थियर स्किन, दोनों के लिए ही, जो जिसमें विटामिन सी हमारे को पर्याप्त मात्रा में मिलता है, एंड आज के तारीख में विटामिन सी सबसे ज्यादा चलती है। देखो बाजार में विटामिन सी की गोली गायब हो गई है, आज अगर कोविड किसको हो गया है या कोविड की बीमारी हो गई है तो डॉक्टर उसको 1000 ग्राम विटामिन सी की गोली पर डे दे रहे हैं, तो उसका भी जरूरी हमारे पेशेंट्स के लिए है। बट जैसा बोलते हैं कि अभी आप विटामिन खाने की जरूरत नहीं है, हमारे डाइट में होना चाहिए। विटामिन गोली खाने से आपको नहीं होता है, आप अगर रोगी है, आपको प्रादुर्भाव हो गया है तो आप खाने की जरूरत है, बट उसका सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास ऑलरेडी है वो हम खाना चाहिए, वो है आंवला है, ऑरेंजेस है, पपया है, गवा है, लेमन है, कैप्सिकम है, ये सब इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में हमारे शरीर को मिलता है, और वो जो इन नेचुरल सोर्सेस से मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ना कि विटामिन सी की गोली लेना। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट रिच डाइट फॉर यू। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन्स, मिनरल्स,
कैल्शियम के लिए, सब के लिए हमारे डाइट में क्या क्या होना चाहिए और हमारी इम्यूनिटी कैसी बढ़ती है, तो उसमें दो तीन और जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक तो स्ट्रेसफुल रहते हैं, हमारी तनाव मुक्ति रहना चाहिए, तनाव से कम हमारा डाइट जो भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है वो हमारे डाइट में लाना चाहिए, और साथ ही साथ डेली एक्सरसाइज और योगा। आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर योगा करते हैं तो वो भी उससे भी अच्छा, बिकॉज योगा हमारे मन और शरीर दोनों को भी शांति देता है, और इसके लिए योगा से इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस एक्सरसाइज से भी जाता है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज उन अंगों के लिए करते हैं जहां हमको स्ट्रेंथनिंग करना है, बट आप योगा करोगे तो आपको शारीरिक तंदुरुस्ती, साथ साथ मानसिक तंदुरुस्ती और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए योगा सबसे बड़ा ऊपर आ गया है। आयुष मंत्रालय आजकल आप देखते होंगे कि बहुत एक्टिव हो गया है, कितने सारे च्यवनप्राश और क्या क्या काढ़ा और ये सब आ रहा है, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनी काढ़ाज और लाइक दैट। जो हम नित्य नियम से करते हैं उसी में ही हम ज्यादा कैसे पोषण और तत्वों से भरा हमारा आहार रहेगा, हमारा काम का तरीका रहेगा, तनाव जितना हम कर्म कर सकते हैं और जितना योगा, और उसमें मैं ये भी कहूंगा कि योगा के साथ आप प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कोई दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, मैंने आपको जो दो चार शब्द दिए बताए आपने पेशेंटली सुन लिए। मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का, नारायण जी का और आप सभी का आभारी हूँ। क्वेश्चन आंसर है तो उसके लिए मैं तैयार। थैंक यू। वैष्णवी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर कृष्णा मेथेकर सर जी, आज आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी बताई है जिसमें हमें सही पोषण आहार क्या है और इस COVID-19 में हमें किस तरह हेल्दी रह सकते हैं ये आपने हमें बताया, वो भी आसान शब्दों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिराम सर को विनंती करती हूँ कि प्रेक्षक वर्ग को कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछिए। धन्यवाद वैष्णवी। सर, कुछ लोगों ने सवाल पूछे, उसमें से दो तीन सवाल मैं आपसे उनकी तरफ से आपको पूछता हूँ। बिल्कुल एक पार्टिसिपेंट ने से पूछा है कि अभी COVID-19 के दौरान हम लोग जो खाना खा रहे हैं उससे जो विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं क्या वो काफी है, या हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए उसके साथ, जैसे आपने विटामिन सी के टैबलेट के बारे में भी बात की, या सबको लेना जरूरी है, ऐसे उनका सवाल है। देखो, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जितने भी हमको विटामिन, हमारा खाना इसलिए ही मैं बोला परिपूर्ण खाना होना चाहिए, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म हम बोलते हैं उसको, तो उसमें विटामिन मिनरल सब आ जाते हैं। जैसा मैंने जितने जितने बोले हैं, विटामिन सी रहे, विटामिन बी रहे, कैल्शियम और प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, इसके लिए अगर हमारा खाना डेली का उसी तरीके से घर में बनता है या और हम खाते हैं, तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कोई विटामिन कम गिरता है या फिर कोई पोषण मात्रा कम है, फ्रूट्स, मैंने थोड़ा सा एक दो फ्रूट्स के जिक्र नहीं किया, फ्रूट्स हमारे इसमें होना चाहिए, पर्टिकुलरली बनानास हो, पेड़ हो, एप्पल्स हो, अनार हो, ये सब फ्रूट्स का एक स्लाइड वो रह गया दिखाने का, बट ये जो अगर फ्रूट्स भी आप खाते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ऊपर से कुछ विटामिन्स की सप्लीमेंट की जरूरी है। अगर आप डॉक्टर को पास जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि आपको कोई विटामिन्स कम गिरता है तो उसी समय हम लेना चाहिए, नहीं तो ये सप्लीमेंट के लिए जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो काफी है हमारे को, हमारे के मिलने के लिए, हमारे पूरे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके सर, दूसरा सवाल किसी ने ये पूछा है कि जो फल और सब्जियां हम लोग मार्केट से लाते हैं तो धोने के लिए नॉर्मल सादे पानी का यूज कर सकते हैं, या उसको थोड़ा सा लुकवा गुनगुना पानी का यूज करना चाहिए, और कितने वक्त के लिए धोना चाहिए उसको? हाँ, जो भी हम बाहर से लाते हैं, मैंने मेरे एक स्लाइड में बताया है, एक तो ल्यूकवार्म वाटर चलेगा, बट उससे भी ज्यादा है तो हम सोडा, आपका खाने का सोडा आपके घर में रहता है, वो अगर उसमें एक समझो 1 लीटर में एक थोड़ा सा 10-5 ग्राम डाल दिए,
तो उससे भी धोया तो भी चलेगा। अगर वो पैकिंग का मटेरियल है तो हमारा वॉशिंग सोडा भी उसको बाहर से चलेगा, बिकॉज वॉशिंग सोडा ये जो है वो टॉक्सिक रहता है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। मगर खाने का सोडा जो है वो चल सकता है, या पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अल्कोहल का जो भी हमारे पास कुछ है तो उसको बाहर से धो सकते हैं। डायरेक्टली उसके ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए, ल्यूकॉम वाटर या फिर थोड़ा सा हल्का गर्म पानी वो आप यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें सोडा डाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इमिडिएटली उसको धो के थोड़ा सुखा के उसको क्वारंटाइन करना जरूरी है। हमारे घर में एक ऐसा एरिया रखो कि जहाँ आए वाला मटेरियल है वो थोड़ा वहीं रखे कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको प्रोसेस किए जैसे धो के गर्म पानी से और फिर सोडा से धो के, एंड देन उसको थोड़ा देर के बाद इस्तेमाल करें, तो उसको हमको प्रादुर्भाव कम हो सकता है। धन्यवाद सर, बहुत ही कम समय में आप हम लोगों को बहुत अच्छी वैल्यूएबल जानकारी मिली।